हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती, आरती किचन क्वीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और परवल की भुजिया। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम 250 ग्राम परवल धो के पतले पतले स्लाइस में कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं, और 250 ग्राम आलू भी अच्छे से 2-3 बार धुल के इसको भी पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं। जिस तरह से हम परवल को कट किए हैं, लगभग उसी तरह हम आलू को भी कट किए हैं। तो 2 मीडियम साइज़ प्याज भी कट कर लिए हैं, और 4-5 लहसुन की कलियां, और 4 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम कूट के ले लिए हैं, और 1 चम्मच पचफोरन, 1.5 चम्मच खटाई, और साथ में हरी धनिया की पत्ती। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हम रेडी कर लिए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम गैस ऑन करके पहले ही कढ़ाई चढ़ा दिए थे, कढ़ाई लगभग गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि परवल भुनने में ज़्यादा तेल लगता है, और तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल हो गया है गर्म, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, और साथ में हम पचफोरन भी डाल देंगे, और इसको हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि परवल को भी भूनना है। साथ में हम परवल भी ऐड कर देंगे। परवल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको लगभग 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, 4-5 मिनट फ्राई कर लिए हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। परवल का कलर लगभग चेंज हो गया है, और हम साथ में आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। इसे भी 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे पकड़े ना। तो फिर 3-4 मिनट आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डाल देते हैं नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा। इसको भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। खटाई डाल देते हैं, और जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च कूट के रखे थे उसको भी डाल देते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ढक के धीमी आंच पे 10-12 मिनट तक पकाएंगे, और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, 10-12 मिनट हो गए हैं, आइए एक बार इसे चला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू और परवल दोनों हो गए हैं, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू और परवल की भुजिया बनके रेडी हो गई है, और
आप भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए दो रोटी की जगह चार चार रोटियां खा जाएंगे। और इसमें हम थोड़ा से धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एक सर्विंग प्लेट पे सर्व कर लिए हैं। अब आप चाहे इसे चावल, पराठा या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।